राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के चुनाव में बहुमत के लिए लड़ाई इतनी कड़ी हो गई है कि मतदान होते होते समर्थकों के साथ साथ कई सीटों पर प्रत्याशियों में बहस और लड़ाई तक हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। FIR भी हो गई, लड़ाई करो या मरो की तरह नजर आई। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि चार चुनावों से जिस जादुई संख्या 116 के लिए कांग्रेस तरस रही है, वह इस बार हासिल कर पाएगी या भाजपा सत्ता में लौट आएगी। कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता ने कहा, पार्टी सत्ता में प्रचंड बहुमत से आ रही है। भाजपा एक बड़े नेता की माने तो संगठन के आंतरिक विश्लेषण में सामने आया है कि पार्टी 121 सीटों के साथ वापसी कर रही है। भाजपा ने 2003, 2008 और 2013 में बड़े बहुमत से सरकारें बनाई, लेकिन 2018 में नजदीकी मुकाबला रहा। कांग्रेस को 114 और वोट ज्यादा लेकर भी भाजपा को 109 सीटें मिली। बहुमत के लिए जरूरी 116 सीटें कोई भी पार्टी हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार बनी, 1.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार गिरी और भाजपा की शिवराज चौहान सरकार फिर आ गई। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस इस बार ये जादुई नंबर हासिल कर पाएगी। सत्ता विरोधी रुझान कई जगह सामने आया। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थी तो उधर कांग्रेसी आक्रामक नजर आए। भाजपा का CM चेहरा सामने न रखना कई लोगों को पसंद नहीं आया। मतदाताओं कहते मिले कि MP के मन में मोदी का मतलब ये तो नहीं कि मोदी MP के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के CM प्रत्याशी से तुलना के लिए चेहरा तो होता। भाजपा की सबसे बड़ी उम्मीद लाडली बहना योजना की नजर आई। महिलाएं भाजपा के साथ दिखी, अन्य किसी मुद्दे में ऐसी अपील नहीं दिखी। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा सामने आया है, भाजपा इसे अपने पक्ष में मान रही है। कर्मचारी पुरानी पेंशन के कांग्रेस वादे से प्रभावित दिखे, मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। बागी प्रत्याशी एक दर्जन सीटों पर मुख्य लड़ाई में नजर आए। वर्ष 2003 से हर चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा है। 2018 के चुनाव को छोड़कर हर बार इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में गया। पिछले चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को 5 सीटें ज्यादा मिली, लेकिन वोट ज्यादा भाजपा को मिले थे। विश्लेषक बता रहे हैं कि इस बार सामान्य वोट बढ़ना तो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, लेकिन यदि उनमें महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा तो इसका फायदा भाजपा के पक्ष में जाने का अनुमान है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और पूर्व CM कमलनाथ के क्षेत्रों में उलटफेर की स्थिति नहीं है, लेकिन अन्य हिस्सों में तस्वीर हटकर है। चुनाव में उतरे भाजपा के दिग्गज मंत्री वे सांसद में ज्यादातर करीबी लड़ाई में दिखे। बसपा सपा कई सीटों पर संघर्ष में दिखी, जिसका कई भाजपा कांग्रेस को नुकसान नजर आया। भाजपा विरोधी वोट कांग्रेस को गए हैं। भाजपा को कई जगह कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी है। दूसरी पार्टियों से लड़े बागी नेताओं खुद की जीत न होते देख अपनी पुरानी पार्टी के प्रत्याशियों की हार के लिए ताकत झोंक दी। जबलपुर संभाग में ऐसी कई सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।